आज मैं आपको बची हुई रोटी से एकदम जबरदस्त नाश्ता दिखाऊंगा। अब जब भी आपके घर पे रोटी बचेगी, आप ये नाश्ता जरूर बनाओगे। मेरी आने वाली हर एक नई रेसिपी के लिए आप YouTube पे विराट नायक रेसिपी सर्च करें, उसके बाद ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है वो दबा दीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिए, और जो सबसे पहला ऑप्शन है ऑल का उसे क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरी सारी रेसिपी देख सके। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक प्याज है जिसे बारीक काट लिया है, तो ये डाल देंगे। इसी के साथ एक शिमला मिर्च है जिसे भी मैंने बारीक काट लिया है। अब इसमें हम मिलाएंगे एक कटा हुआ टमाटर। सब्जियों में आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। अब इसमें हम एक उबला हुआ आलू मिलाएंगे। अगर आप आलू नहीं खाते तो इसकी जगह पर आप कच्चा केला भी ले सकते हो। अब इसमें हम 1/4 कप जितना कटा हुआ हरा धनिया मिलाएंगे। आधी गाजर थी जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। 1 teaspoon अदरक हरी मिर्च की पेस्ट मिलाएंगे। 1/4 teaspoon लाल मिर्च पाउडर मिलाना है, और इसी के साथ 1/2 teaspoon इसमें हम चाट मसाला मिलाएंगे। अभी सब कुछ अच्छी तरह से मिला लेना है। अभी सब कुछ मिलाने के बाद इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज की जगह पे आप पत्ता गोभी भी ले सकते हो। अभी सब्जियों का ये मिश्रण बन जाए, इसके बाद इसमें हम बेसन मिलाएंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा बेसन नहीं मिलाना है, मैंने 3 tablespoon बेसन मिलाया है। बेसन मिलाने के बाद तुरंत ही इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये जो मिश्रण है उसे हमें बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, यानी कि बैटर जैसा नहीं बनाना है, इसकी गाढ़ी पेस्ट जैसी बनेगी। पहले आपको सब कुछ मिला लेना है, क्योंकि जो सब्जी आया है वो भी उसका पानी छोड़ेगी। अभी हम इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे। अभी मैंने 2 tablespoon जितना पानी डाला है, और पानी डालने के बाद भी इसे मिक्स कर लेंगे। फिर से इसमें हम 2 tablespoon बेसन मिलाएंगे। अभी सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे और इसका एक मिश्रण तैयार कर लेंगे। अभी जो बेसन मिलाया है उसके बाद का हम पानी मिलाएंगे। 1 tablespoon मैंने पानी फिर से इसमें मिलाया है। अभी आप देख सकते हो ये जो मिश्रण है वो तैयार हो गया है। बहुत ही गाढ़ा मिश्रण हमने बनाया है। इसमें हमने टोटल 5 tablespoon बेसन लिया और 3 tablespoon पानी मिलाया है। अभी इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि जो सब्जियां है उसका पानी छोड़ दे। अभी यहाँ पे मैंने एक तवा ले लिया है। तवे पे हम थोड़ा घी डाल देंगे। यहाँ पे आप चाहो तो घी की जगह पे तेल भी ले सकते हो। अभी मैंने ये रोटी ली है, जो हम घर पे गेहूं के आटे की बनाते हैं वही लेनी है। अगर आपकी रोटी बच गई है तो आप वो भी ले सकते हो, या फिर फ्रेस भी बना सकते हो। इसे हम मीडियम आंच पे दोनों साइड सेक लेंगे। अभी रोटी को हमने सेक लिया है, गैस की आंच को बिल्कुल धीमी कर देंगे, और रोटी के ऊपर जो हरी चटनी आती है वो हम अच्छे से फैला लेंगे। ये जो हरी चटनी है उसमें मैंने थोड़ी सी कोथमीर ली है, पुदीना लिया है, उसके बाद थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा मिलाया है, 2 हरी मिर्च मिलानी है, थोड़ा सा काला नमक, चाट मसाला और स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। साथ ही में 1/4 teaspoon जितना जीरा मिलाना है, और पानी डाल के इसे पीस लेना है। और इसमें बाइंडिंग के लिए मैंने बेसन की जो सेव आती है वो डाली है। आप चाहो तो थोड़ी कच्ची मूंगफली भी डाल सकते हो। अभी चटनी लगाने के बाद ये जो मिश्रण हमने तैयार किया उसका एक अच्छा सा लेयर करेंगे। ये जो मिश्रण है उसे हम इसके ऊपर अच्छे से फैलाते हुए डालेंगे। तो अभी हमने जो मिश्रण तैयार किया उसमें से आधी क्वांटिटी हम इस रोटी पर डाल देंगे। तो इतने मिश्रण से आपकी ऐसी 2 रोटियां तैयार होगी। ये जो मिश्रण है इसे अच्छे से लेवल कर लेंगे। अभी हम बहुत ही केयरफुली से पलट देंगे। आप देख सकते हो जिस साइड से रोटी को हमने ज्यादा पकाया है बहुत ही बढ़िया एकदम करारी हो गई है। अभी धीमी आंच पे इसे पकने देंगे। इसमें जो बेसन है और जो सब्जियां है वो अच्छे से पक जानी चाहिए। अभी 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं, इसे हम पलट देंगे। आप देख सकते हो इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया कलर आया है। इसके ऊपर फिर से हम घी डाल देंगे और घी को अच्छे से लगा लेंगे। फिर से इसे हम बहुत ही हल्के हाथों पलट देंगे और सेक लेंगे। अभी ये तैयार है। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया रोटी का नाश्ता तैयार है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम दूसरी रोटी में तैयार कर लेंगे।
ये देखिए, रोटी का बहुत ही बढ़िया और गजब का नाश्ता तैयार है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा चाट मसाला छिड़क देंगे और अभी इसे हम काट लेंगे। अभी इसके ऊपर थोड़ा हम टोमेटो केचप डाल देंगे और इसी के साथ थोड़ी सी मेयोनीज भी डाल देंगे। ये लीजिए, तैयार है रोटी का एकदम बढ़िया वाला नाश्ता। मैं आशा रखता हूं कि आपको रोटी का ये नाश्ता जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही मस्त रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।